तो फाइनली अब जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ उसमें श्रीलंका की जीत हुई है और फाइनल एशिया कप 2022 का जो मैच है उसका रिजल्ट आउट हो चुका है और श्रीलंका ने जीत हासिल की है। और आज जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच था उसमें क्या कुछ खास रहा, कहाँ पर रोमांचक था, कहाँ पर चीजें बदली, हम जानेंगे। हमारे सहयोगी आकिब हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब बताइएगा, आज का पूरा मुकाबला आपने देखा, कहाँ पर आपको लगा कि सबसे रोमांचक खेल था? देखिए प्रियंका, आज एशिया कप 2022 का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया, और जिसमें श्रीलंका ने जीत हासिल की है और 23 रन से जीत हासिल की। और उसके बाद जो है, आपको बताऊं कि श्रीलंका ने ये जो एशिया कप पे होस्ट किया था, यूएई में किया था, और आज जो है श्रीलंका ने एशिया कप 2022 के वो विजेता रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से और जिस अंदाज से आज खेला है वो काफी तारीफ है। इससे पहले, अगर हम बाबा एशिया कप से पहले जो वो खेल खेल का मुजाहिरा कर रहे थे, वो काफी ज्यादा उतना अनुभवी नहीं था, लेकिन एशिया कप में जिस तरीके से उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। आज जैसे ही एशिया कप का फाइनल दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड में खेला गया है, तो पहले टॉस जो है पाकिस्तान ने टॉस जीता, और उसके बाद जो है उन्होंने फील्डिंग करने का जो है निर्णय लिया है। और उसके बाद जो है जैसे ही श्रीलंका पिच पे आई है, उनके ओपनर्स पिच पे आए, वो खासा कुछ नहीं कर पाए हैं। और हमने देखा है 6 ओवर्स में काफी ज्यादा संघर्ष कर रही थी श्रीलंका की टीम, और उन्होंने 5 विकेट्स खोए थे, 60 रन के करीब हुए थे, और 5 विकेट्स श्रीलंका ने खोए थे। लेकिन उसके बाद जो है श्रीलंका ने आखिरी 10 ओवर्स में कैसे गेम का जो रुख है वो पलट लिया है। श्रीलंका ने लास्ट के 10 ओवर में खाली 1 विकेट खोया, और उसके बाद उन्होंने कैसी बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ है। वहां पे जो है पाकिस्तान के जो स्पिन अटैक है उसको पूरी तरीके से उन्होंने कोलैप्स किया है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, हारिस रूफ जो 150 किलोमीटर पर आर जो है अपनी जो बॉलिंग करते हैं, उसको भी लास्ट में जो है उनको कहा जा रहा है वो एक्सपर्ट है, डेथ ओवर्स काफी ज्यादा जबरदस्त करते हैं, लेकिन आज हमने देखा है उसको भी रन्स आए हैं और बुरी तरीके से उनको लास्ट में बिल्कुल फिर पीटा गया है। लेकिन आज श्रीलंका की काबिल तारीफ ये है कि उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है काबिल तारीफ है, और श्रीलंका के बैट्समैन ने लास्ट के डेथ ओवर्स जो है वो जबरदस्त खेले, और नतीजा ये रहा कि श्रीलंका ने जीत हासिल की। जी प्रियंका, बिल्कुल। और साथ साथ आकिब कमेंट्स भी ले लेंगे। कमेंट में स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आबिद वानी का कमेंट है जो लिख रहे हैं कि बाबर रिजवान एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफ्तिकार रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ह्यूमिलेटेड डिफीट। खैर, कंग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका टीम, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो क्या कहेंगे आबिद वानी को? देखिए देखिए मैं वही की तरफ आ रहा हूँ। जैसे जिस तरीके से बाबर और रिजवान ने इससे पहले भी ओपन किया है, और उसके बाद आज भी वो ओपन करने के लिए, और बाबर ने जिस तरीके से वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, और किस तरीके से उन्होंने जो अपनी विकेट दी है, जो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, और उनको मतलब वो शॉट खेले वो समझ से बाहर है। और उसके बाद जो है रिजवान ने जी काफी ज्यादा एक साइड बचा के रखा था, लेकिन लास्ट में रिजवान जो है वो पूरे तरीके फंस चुके थे, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करना चाहता था, लेकिन उस तरीके से वो फिर लास्ट में उस चीज पे नहीं खड़ा उतरा, और उसकी उसी के बदौलत जो इफ्तिखार की बात हो रही, इफ्तिखार ने भी लास्ट में वैसा ही किया था। इफ्तिखार चाह रहा था कि मैं हिटिंग पे आऊं, लेकिन उनको फिर लास्ट में वो शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाते, तो जिसका नतीजा ये रहा कि पूरा जो मिडिल ऑर्डर हम कह सकते हैं, पूरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। और उसके बाद जो यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी श्रीलंका के जो स्पिन अटैक है वो काफी काबिल तारीफ है, और जबरदस्त खेल का जो है मुजाहरा आज श्रीनगर ये श्रीलंका के जो है बॉलर्स और बैट्समैन ने दिखाया, और जिस तरीके से श्रीलंका ने आज जो है एशिया कप 2022 अपने नाम कर लिया। तो आज अगर हम जी जी बताया बताया आप जी बिल्कुल। और हालांकि आप जिस तरह से आपने पूरा मैच देखा, आप अपने व्यूज रख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी व्यूज रख रहे हैं,
खैर बहुत सारे लोग हैं जो डिसअपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान टीम के साथ आज, जो क्योंकि उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलेगा और जरूर जीत हासिल करेगा, और जहां पर पाकिस्तान की हार हुई है उसको लेकर लोग काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। आसिफ अली बता रहे हैं मैन ऑफ द मैच है, तो क्या कहेंगे मैन ऑफ द मैच आज किसको कहेंगे? देखिए, इसमें अगर हम कहेंगे आज के मैच के बारे में, जिस टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है, हम हमेशा यही कह रहे हैं कि जो टीम अच्छी खेलती है वो टीम जरूर जीतती है। और जिस तरीके से आज श्रीलंका ने फील्डिंग, सबसे बड़ी चीज होती है फील्ड में फील्डिंग, उन्होंने जबरदस्ती की, जिस अंदाज से और जिस तरीके से एक भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ है, वही आज नतीजा रहा है। श्रीलंका ने मैच जीता है। और पाकिस्तान के खेमे की अगर हम बात करते हैं तो दो तीन कैच ड्रॉप हो चुके, जिसमें शादाब ने दो कैच और उससे पहले भी एक कैच ड्रॉप हुआ, और मिसफील्ड काफी ज्यादा हुआ, तो जिसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने जो है आज ये एशिया कप 2022 जो है उन्होंने हार लिया है। और एशिया कप में काफी ज्यादा जो क्लोज मैच हमने देखे हैं, उस तरीके का जो प्रोडक्शन है वो हमने देखा है, लेकिन आज जिस तरीके से हम चाह रहे थे कि मैच जो है क्लोज आएगा, लेकिन वो चीज नहीं हुई। यहाँ पे जो है श्रीलंका के जो बॉलर, उनने पूरा जो जो उनका जो बोनस पॉइंट और जो एक प्लस पॉइंट उनके पास स्पिनर्स है, उन्होंने आज वो करके दिखाया है, जिस तरीके से जो पाकिस्तान के जो बैट्समैन उनको पूरी तरीके से बैट फुट पे लाया है। और मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करते हैं, तो मैन ऑफ द सीरीज में बहुत सारे हकदार हैं मैन ऑफ द सीरीज के, और मैन ऑफ द मैच के जो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है दावेदार है जिन्होंने आज जबरदस्त अपना जो खेल का मुजाहरा किया है। और इस एशिया कप टाइटल में जो है श्रीलंका ने, श्रीलंका की अगर मैं बात करता हूँ करूंगा कि श्रीलंका ने 1986 में भी एशिया कप जीता है, 1997 में भी एशिया कप जीता है, और 2004 में भी एशिया कप जीता है, और 2008 में और 2014 में भी, और आज 2022 में भी श्रीलंका ने जो है एशिया कप अपने नाम हासिल किया। तो काफी काफी टाइम से जो है श्रीलंका इसके दावेदार रहे, और इससे पहले जो है एशिया कप किन किन के पास रहा है, पहले भारत के पास, इससे पहले 2022 से पहले भारत के पास ये जो है एशिया कप उनके पास था, उसके पास श्रीलंका, पाकिस्तान, तो आज फिर से श्रीलंका, तो ये सब चीजें इसमें हुई है। और क्या कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान फंस गया है, हमारे साथ जो व्यूवर्स है उनको यहाँ पे, क्योंकि श्रीलंका श्रीलंका के जो फॉलोवर्स है उनको चाहने वाले हैं, वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, वो भी अपना जो है वो अपनी खुशी यहाँ पे इजहार कर सकते हैं, और जिन लोगों को गम है वो भी यहाँ पे अपनी जो है गुस्सा जो है गम है वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और हम जरूर उनके जो कमेंट है वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है आज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को हार हासिल हुई है, और जो है एशिया कप 2022 जो है श्रीलंका ने अपने नाम कर दिया है। और यहाँ पे बाबर रिजवान की अगर हम बात करें तो रिजवान लगातार कंटिन्यूअसली जो है अपनी अपनी जो मतलब अपनी जो इनिंग है वो खेलते आ रहे हैं, तो आज भी उन्होंने 55 रनों की साझेदारी इफ्तिखार के साथ निभाई है, जिसमें उन्होंने काफी अच्छे शॉट्स भी लगाए, लेकिन वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जो टीम को जरूरत थी वो नहीं कर पाए। लेकिन आज जो है बाबर का बल्ला फिर से आज खामोश था, और उन्होंने वो नहीं किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और बाबर जो है वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, और T20 रैंकिंग 1 में आ रहे थे, और आज अब जो है ये रिजवान अब T20 रैंकिंग 1 पे आ रहे हैं, लेकिन अब जो ये है बाबर यहाँ पे काफी पिछले कई गेमों में एशिया कप, पूरे एशिया कप में बाबर ने काफी संघर्ष किया है, और श्रीलंका को आज यहाँ पे जीत हासिल हुई, और श्रीलंका के खेमे में खुशी की लहर, और खुशी क्यों ना हो क्योंकि श्रीलंका इस एशिया कप को होस्ट कर रहा था, तो होस्ट जो टीम होती है उस पर ज्यादा उम्मीदें होती है, तो श्रीलंका ने आज ही करके दिखाया है। एक व्यूअर हमारे साथ है, वो लिख रहे हैं, अच्छा देखिए, एक व्यूअर हमें कह रहे हैं शायद पाकिस्तान को ये पता नहीं थी कि T20 है, स्लो खेलर नॉट प्लेड गुड। देखिए हर एक गेम का एक प्लान होता है कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करें, स्टार्ट कैसे करें, मिडिल ऑर्डर में कैसे बैटिंग करें, वो सब चीजें देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि T20
टीम को पता नहीं होती क्या कुछ करना होता, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे चूक ये हुई है कि जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ है। अब देखिए कैसे खुशदिल आया है, उसके बाद जो है बाकी जो प्लेयर्स है आसिफ अली कैसे आया, उन्होंने क्या कुछ किया है, इफ्तिखार को जो करना था उन्होंने वो चीज नहीं किए, वो हिटिंग पे आ रहे थे लेकिन कनेक्ट शॉट नहीं हो पा रहा था। तो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ, जिसमें श्रीलंका के जो बॉलर्स उनको दाद देनी पड़ेगी, किस तरीके से उनने फिर एग्जीक्यूट किया है, 10 ओवर में किस तरीके से श्रीलंका ने बैटिंग की है, 10 ओवर में कैसे बॉलिंग उनने की, उसके बाद गेम प्लान कैसे चेंज हुआ, उनको जैसे ही लगा पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पे और साझेदारी बनते जा रहे इफ्तिखार और रिजवान की, उसके बाद उनने क्या रणनीति इस्तेमाल की और उसके बाद जो है पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा। और फखर जमान काफी संघर्ष कर रहे हो, और आते ही उन्होंने जो है अपना जो है बल्ला चलाया था लेकिन चल नहीं पाया। आज आज फिर से बाबर है या फखर जमान है या खुशदिल है आसिफ है, फिर से उनकी हार हो चुकी है आज। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज एशिया कप हारा है, वो जो पाकिस्तान के फैंस हैं या बाकी जो उनके चाहने वाले हैं उनका दिल पूरी तरीके से आज टूट गया, क्योंकि लग रहा था शायद अब एशिया में दो टीम्स आई हैं, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, इसमें लग रहा था पाकिस्तान का जो टीम है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन श्रीलंका की बॉलिंग हो लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका के बैट्समैन जो लास्ट में जिनने फिनिश किया वो काबिल तारीफ और जबरदस्त खेल का मुजाहरा आज दिखाया, और जिस तरीके से फिर श्रीलंका ने जो है जीत हासिल की, 23 रनों से जीत हासिल की श्रीलंका की टीम ने। देखिए कुछ जो हमारे व्यूवर्स है वो कह रहे कि रिजवान की वजह से जो है हमने मैच हारा है, लेकिन मैं उनको ये भी बताऊं कि रिजवान जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, हर एक टीम प्लेयर को या कोच को पता है कि रिजवान किस तरीके के बैट्समैन है, उनको पता है कि वो हिटिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो रोटेशन के लिए जाने जाते हैं। तो रिजवान जिस तरीके से गेम को रोटेट कर रहे हैं वो उसमें माहिर है, और रिजवान ने वो चीज करके दिखाई जिसमें लास्ट लास्ट में उनको चाहिए था कि वो थोड़ा चांस ले, थोड़ा पावर हिटिंग दिखाए, लेकिन वो भी नहीं कर पाए क्योंकि वो संघर्ष कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो है रिजवान भी लास्ट में अच्छे से एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, जिस तरीके से उनकी जो फिर हार हो गई है। और रिजवान का भी कहना है कि जिस तरीके से श्रीलंका ने बल्लेबाजी की है, बॉलिंग की है, वो काबिल तारीफ है, हमें चूक हो गई, ये रिजवान का भी कहना है, हमें चूक हो गई और हमने जो है मैच हारा है। तो ये पाकिस्तानी जो बैट्समैन है या बॉलर्स है वो खुद एक्सेप्ट करते हैं हमें चूक हो गई है, इसी की वजह से हमने जो है मैच हारा है। लेकिन आप बता सकते हैं कि कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ पे मिस फील्ड कितना हुआ, उससे कितनी प्रॉब्लम हो गई, कितने कैच छूट गए और उसकी वजह से क्या कुछ हुआ है, वो भी आप हमें लिख सकते हैं और हम जरूर आपकी कमेंट लेंगे। और एक व्यूवर हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है जिस टीम का कप्तान ही 0 पे आउट होगा वो टीम क्या खेलेगी। देखिए हमने इसे पहले भी कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, T20 रैंकिंग नंबर 1 बैट्समैन था, अब नहीं है, अब रिजवान आया वहां पे, लेकिन जिस तरीके से इससे पहले उन्होंने गेम्स खेले हैं वो काबिल तारीफ है, लेकिन कुछ गेम्स पे हम प्लेयर को जज नहीं करेंगे। हाँ आज उनका जो जो बैट है वो खामोश रहा है, तो उसकी वजह से जो है पाकिस्तानी हार का सामना उनको करना पड़ा। तो ये है श्रीलंका के खेमे की एक बड़ी खबर, और श्रीलंका में आज खुशी का माहौल क्यों ना हो, क्योंकि कुछ इससे पहले भी बहुत एशिया कप के दावेदार रहे और आज भी एशिया कप उन्होंने अपने नाम कर दिया है, और जिसको वो होस्ट भी कर रहे थे, UAE में इसको खेला गया, क्योंकि श्रीलंका में काफी इससे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस थे, तो उसको फिर शिफ्ट किया गया गया है UAE, और वहां पे जो है आज श्रीलंका ने एशिया कप 2022 को अपने नाम किया। इससे पहले भारत के पास ये था और आज जो है श्रीलंका ने इसको अपने नाम कर दिया है। तो आप अभी कुछ कमेंट्स हम और भी लेंगे, और हम जो हमारे जो व्यूवर्स है वो हमें देख रहे हैं और वो भी अपना जो उनके ख्यालात है कहाँ पे पाकिस्तान फंसा है और कहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट हुआ है मैच का वो हमें जरूर आप बता सकते हैं। और क्रिकेट एक गेम है, इसको वो अपना दिल पे लेने की जरूरत नहीं, गेम है, और वहां पे जो प्लेयर्स है उन्होंने वो
वैसे ही क्या, और जो प्लेयर्स है वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कहाँ पे क्या गलती हुई है, और आज श्रीलंका ने बहुत अच्छा खेला है, और उसका नतीजा यह रहा कि एशिया कप 2022 जो है वो अब श्रीलंका के नाम हुआ है। और कुछ ही दिनों के बाद अब वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम आपको वक्त वक्त पे अपडेट्स देंगे कि किस तरीके से अब जो वार्म अप मैच है अब कुछ ही दिनों के बाद जो है आने वाले हैं, और वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आज के मैच के बारे में यही है कि यूएई में, दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड में ये मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया है, और जिसमें पाकिस्तान ने काफी ज्यादा संघर्ष किया था लास्ट के, जो जब वो बॉलिंग कर रहे थे लास्ट के 10 ओवर श्रीलंका ने कैसे एग्जीक्यूट किया है, जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस, और उनके जो बैटिंग लास्ट के 10 ओवर्स में जो उनने किया वो काबिल तारीफ है, और 170 के 170 उनने टोटल किए, और पाकिस्तान उस लक्ष्य का पीछा करते करते उन्होंने अपनी टीम को खोया है, अपने सारे जो विकेट से वो खोए है, और 30 रन से जो है श्रीलंका ने ये जीत हासिल की है। मजीद भी अपडेट्स और बाकी जो भी तफसीलात के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।